दारोंदा थाना परिसर में मंगलवार को सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिन्हा ने मीडिया को जानकारी दी है कि बाल बंगरा के गौरीशंकर मांझी का लड़का अभिषेक कुमार टॉप 10 अपराधियों में शुमार है। उन्होंने कहा कि विगत दिनों दारोंदा थाना क्षेत्र के चिंतामनपुर के समीप रेलवे ढाला के पास से उत्कृष्ट फाइनेंस कंपनी के कर्मी से एक मोटरसाइकिल, कंपनी का टैब एवं एक बैग जिसमें 68,300 रूपये बरामद हुए व मोबाइल लूट लिया है। इस मामले में 3 अपराधियों को पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार अपराधकर्मी दारोंदा थाना क्षेत्र के बाल बांगरा गांव के शब्बू हुसैन के लड़के राजन हुसैन व अशरफ अली के लड़का समीर अंसारी उर्फ नवाज आलम तथा सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के हनुमानगंज केसरी तिवारी टोला के प्रमोद तिवारी का लड़का प्रिंस तिवारी है। तीनों व पुलिस ने सुसंगत धाराओं के साथ कार्यवाही करते हुए न्यायालय भेज दिया है। इस टॉप 10 अपराधी अभिषेक कुमार को पकड़ने के लिए DSP राकेश कुमार रंजन ने टीम गठित की है, जिसमें SI बिरजू कुमार, SI राजशेखर एवं SI स्मिता कुमार शामिल थी। सर, आज दरौंदा थाने का अपहरण में एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, जिसको हम लोग बहुत दिन से वांछित थे लूट के कांड में। उनसे कुछ पूछताछ करनी थी और भी बहुत काम थे, जिनका समीक्षा करना था, रिव्यू करना था। उसी सिलसिले में मैं दरौंदा थाना आया था, तो उससे पूछताछ भी हो गई और दरौंदा थाना को आवश्यक निर्देश देना तो दिया गया था।